तो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ब्लूटूथ हेडसेट, वायरलेस बड्स की, बुलेट्स की, जो भी टाइप के आप हेडसेट यूज़ करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ोनों में मीडियम वॉल्यूम पे सेट होते हैं। एंड चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, वो मीडियम वॉल्यूम से मैक्स वॉल्यूम पे सेट नहीं होते। तो ये क्यों हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, मैं आपको पूरा इस चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल जीएसटेक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को पूरा देखिए। तो जब Android 7 नोकेट आया था, तो एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जिसमें किया गया क्या था, जो हेडसेट लाइक ब्लूटूथ की जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो आपके कानों को जो हियरिंग सिस्टम उसको इफेक्ट करेंगे। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मीडियम से थोड़ा हाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया कि हाँ, मैक्स वॉल्यूम पे सेट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप अपना हेडसेट को एटलीस्ट मीडियम से उसकी वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर पाए। ओके, तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पूरा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं मोबाइल स्क्रीन। तो यार गाइज, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा, सेटिंग में जाना होगा। तो सेटिंग में हम चले जाते हैं, यहाँ पे बिल्ड नंबर के लिए सर्च करें। डायरेक्टली बिल्ड नंबर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जनरली सॉफ्टवेयर इन्फो में। 7 टाइम इस पे टैप टैप करें एंड देन आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया, यहीं से आप उसको सर्च कर सकते हैं। डेवलपर सेटिंग्स, डेवलपर सेटिंग्स में आपको लाइक क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको दिखते हैं। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। तो हम यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ चुके हैं। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक वॉइस से रिलेटेड लाइक ब्लूटूथ से रिलेटेड एक ऑप्शन मिलता है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो इस ऑप्शन, अगर ये डिसेबल रहता है तो आप जो वॉल्यूम है उसको मीडियम से अप लेवल पे सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो आप यहाँ से इसको सिंपली जाके इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा आपका, आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ से जो डिवाइस में आप कनेक्टेड हैं। तो मेरा वन प्लस बुलेट्स जेड से अभी कनेक्टेड है, तो कॉल एंड ऑडियो में यहाँ पे जाके मैं उसको थोड़ा एडिट कर सकता हूँ। ओके, एंड एडवांस ऑप्शन आपको आता है, म्यूजिक शेयर एंड सिंक्रोनाइज का एक ऑप्शन आता है। ओके, तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने से जो परफॉर्मेंस होगी इसकी वो थोड़ा इम्प्रूव होगी। ओके, देन आपको करना हो क्या होगा, उसके बाद आप अपना जो डिवाइस है उसको रिस्टार्ट कर लो, दोबारा से डिवाइस के साथ कनेक्ट करो, दोबारा से ब्लूटूथ के साथ पेयर करो एंड देन आप उसका जो मैक्स वॉल्यूम है वो इनेबल कर पाएंगे। तो ये था गाइस इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।